हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने किचन से ही ब्लॉगिंग शुरू कर दिया है। और आज का जो दिन है वो है बुधवार, और तारीख जो है वो है 17 तारीख है, यानी 17 अक्टूबर है। तो अभी देखिए, मैंने मतलब चोखा बना रही हूँ। तो मैंने तेल ले लिया है, लहसुन डाल दिया है, इसमें हरी मिर्च डाल दिया है, टमाटर का एक लेयर लगा दिया है। इसके ऊपर मैं आलू को गोल गोल मैंने कट कर लिया था, तो इसका एक लेयर लगा दूंगी। और बस इसमें हल्दी और नमक डाल के बस 2-3 सीटी आने तक इसे चढ़ा दूंगी गैस पे। तो ये चोखा बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है, सिंपल है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, किसी चीज़ के साथ भी चल सकता है। आप इसका टिकिया भी बना सकते हो, तो बहुत तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मेरे रुपेश को ये कुकर वाला चोखा बहुत पसंद है। वो तो आए दिन बोलता है कि मम्मी कुकर वाला चोखा बनाइए, पर मैं ही थोड़ा चेंज कर करके बनाती रहती हूँ। अगर मैं कुकर वाला चोखा बना दूँगी तो वो 2-3 रोटी आराम से खा लेता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँगी, और रुपेश को भी मतलब रुपेश की मन का बन जाएगा। उसको आलू का ही आइटम बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, बाकी हरी सब्जी वो पसंद नहीं करता है। तो अभी देखिए, मैंने कुकर को जो है गैस पे चढ़ा दिया है, और अभी आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। हस्बैंड के भी कपड़े थे और बच्चों के भी थे, तो और सोफ़ा का कवर वगैरह यही सब था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मशीन लगा देती हूँ। ऐसे तो मशीन संडे को ही लगाती हूँ, पर कभी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो बीच बीच में मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो आज जो है ज़्यादा कपड़े हो गए थे, बाकी जो डेली वेयर कपड़े होते हैं वो मैंने हाथ से ही कचार दिया था। और बाकी जो जैसा कि इनका ड्रेस था और सोफ़ा कवर था, बेडशीट था, ये सब मैंने मशीन में लगा दिया है। तो मशीन अभी देखिए मैंने सेट कर दिया है और चली जाऊँगी किचन में। किचन में जैसे कि 10:30 बज रहा था, नाश्ता तो बच्चे कर लिए थे, पर अभी खाना बनने में लेट है। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक अनार उन लोग को दे देती हूँ। अनार भी था घर में, तो मैंने सोचा कि चलो पहले दे देती हूँ। रुपेश को तो देना नहीं है, क्योंकि रुपेश का तबीयत सही नहीं है, उसे खांसी आ रहा है, तो उसको तो दूंगी नहीं, बस छवि के लिए। और छवि बहुत अच्छे से खा लेती है, तो बोल रही थी कि मम्मी आज हमको अनार दे दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो पहले अनार दे देती हूँ, उसके बाद बाकी के सारे काम जो है वो मैं निपटाती हूँ। तो अभी अनार मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं अनार निकाल रही हूँ, और इस तरीके से अनार अगर आप निकालेंगे ना तो बहुत ईजिली वो निकल जाता है, और एक एक दाना निकालना नहीं पड़ता है। बस आप अनार को बीच से कट करिए, और किसी हैवी चीज़ से जैसे कोई भारी स्पून हो, या जैसे बेलन हो गया, या कोई भी चीज़ ऐसा हो, तो आप उससे पीछे से जब उसको पीटेंगे ना तो अनार एक एक दाना जो है वो बाहर आ जाएगा। तो बहुत ईजिली निकल जाता है इस तरीके से। और देखिए, एक कटोरी भर के अनार जो है वो निकल गया है। अब मैंने इसमें काला नमक लगा के छवि को दे दिया है, वो खाएगी। अब मेरा वीडियो रिकॉर्ड वही कर रही है, तो खा भी रही है, रिकॉर्ड भी कर रही है। तभी देखिए आलू जो है एकदम सॉफ्ट हो गए थे, 3 सीटी आने तक मैंने छोड़ दिया था। अब इसमें मैं बारीक कटी हुई प्याज डाल दूंगी, और इसे अच्छे से बिल्कुल मतलब जैसे होता ना चोखा के जैसे, वैसे बस थोड़ा कूट लूँगी तो बिल्कुल ये चोखा जैसा हो जाएगा। इसमें मतलब फ़ोन में कलर थोड़ा दूसरे जैसा दिख रहा है, पर रियल में देखने में इसका कलर भी बहुत अच्छा दिख रहा था और स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो ये मेरे बच्चे, दोनों बच्चे आराम से खा लेते हैं। और देखिए, छवि का अनार रखा हुआ है, वीडियो बना रही है और ये खाती जा रही है। तो बोल रही थी कि मम्मी और रोटी आप जल्दी से बना दीजिए, तो मैं चोखा रोटी खा लूँगी। तो ये देखिए चोखा जो है वो तैयार है, और देखने में कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं चाय बनाई थी अपने लिए, तो वो लेके मैं आ जाती हूँ पीने के लिए। और चाय तो बिल्कुल मैं भूल ही जाती हूँ, काम के आगे चाय बिल्कुल मैं भूल जाती हूँ पीने के लिए। चाय कप का मैंने बना के छान के ग्लास में रखा था, पर सारे काम करने के बाद जैसा कि छवि को दे दिया था, चोखा बना लिया था, उसके बाद मैं चाय पीने आई। चाय बिल्कुल ठंडा हो गया था, फिर गर्म करने का मतलब मन भी नहीं हुआ कि फिर से गर्म कर लूँ, बस ठंडा ही था। तो मैंने सोचा कि चलो पी लेती हूँ, क्या अब गर्म करूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। और रुपेश को भी बीच बीच में देखना पड़ रहा था, उसको जो है उसका तबीयत अभी सही नहीं है, फीवर आ रहा है, खांसी आ रहा है उसे। तो आज ले जाएंगे डॉक्टर के पास दिखाने, शायद उसका जांच भी हो। तभी देखिए, मैं चाय पी चुकी हूँ और आ गई हूँ चावल मतलब चावल साफ़ कर रही हूँ चावल चढ़ाने के लिए। रोटी मैंने बना लिया था चाय पीने के बाद, फिर आई थी मैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अगर व्यूज़ ना व्यूज़ आ रहा है, ना ही वॉच टाइम आ रहा है,
तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, हम सब न्यू यूट्यूबर को आप सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग भी यूट्यूब से जो यूट्यूब पे जो सपना लेके आए हैं वो हमारा सपना जो है वो पूरा हो जाए। मैं तो हिम्मत हार जाती हूँ, फिर मतलब वीडियो बनाना शुरू करती हूँ, लेकिन हिम्मत बिल्कुल हार चुकी हूँ, बिल्कुल अंदर से वो हिम्मत है ही नहीं कि फिर से बनाऊँ, लेकिन फिर भी शुरू किया है। तो प्लीज़ इस बार मेरी मेहनत को जाया मत जाने दीजिए, आप लोग प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए कि मुझे लगे कि हाँ मेरा वीडियो बनाना सफल हो रहा है। तो अच्छा लगता है ना कि जब वीडियो बनाइए और आपके मतलब अच्छे लाइक आ रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमारा ये एक वीडियो बनाने में जो मतलब मेहनत लगी है वो सफल हो गई है। लेकिन मेरी मुझे लगता है सफल नहीं हो रही है, क्योंकि मैं इतना सारा वीडियो अपलोड कर दी हूँ पर व्यूज़ मेरा उतना अच्छा नहीं आ रहा है। लगी हूँ, देखती हूँ इस बार क्या होता है, पर आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए मुझे। और अभी देखिए हस्बैंड आ गए थे नहा करके, तो उनको मैं दे देती हूँ उनका मतलब लंच। तो रात की पनीर की सब्ज़ी तो थी, हस्बैंड बाहर से ही खाना खा के आ गए थे, तो उनका पनीर का सब्ज़ी जो था वो रह गया था, तो वही पनीर की सब्ज़ी है, चोखा है, चावल है, और मैंने दाल बनाया था और रोटी है, तो उनकी थाली में लगा के उनको दे दूँगी। और आप लोग को भी इन्वाइट कर रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म खाने का मतलब स्वाद लीजिए और बताइए मुझे कैसा लगा। तो अभी देखिए मैं दाल भी डाल रहती हूँ, फिर उसके बाद से बाहर बैठे हैं वो, उनको पानी छवि रख देती है, जब भी मैं खाना निकालती हूँ तो छवि का काम है पानी रखने के लिए। तो ये देखिए रूपेश रिकॉर्ड कर रहा है अभी, तो पूरा खाना वो बारीकी से दिखा रहा है आप सभी को। तो आइए आप सब भी लंच कर लीजिए। उसके बाद कपड़ा जो है वो वाश हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी अब छत पर डाल दूँ। वैसे एकदम कपड़ा जो है एकदम अगर हवा लगने की देर होती है 5 मिनट में छत पर डाल दूँगी ना, तो 5 से 10 मिनट में कपड़े जो है वो सूख जाएंगे। और काफ़ी कपड़े थे तो मैंने सोचा नीचे जगह नहीं है उतना, चलो ऊपर ही डाल देती हूँ, ऊपर अच्छे से ये सूख जाएगा कपड़ा सारा। तभी देख आप देख सकते हो कितना कपड़ा इसमें से निकल रहा है। और काफ़ी कपड़ा जब हो जाता है ना तभी मैं मशीन लगाती हूँ, क्योंकि मन भी नहीं कभी कभी होता है, वैसे संडे को ही लगाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन भी नहीं कर रहा था, बस थोड़ा सा ही कपड़े जैसे कि जो डेली वेयर के मेरे और छवि के थे वो मैंने वाश कर दिया था, बाकी रूपेश का और हस्बैंड का ये सारे कपड़े मैंने मशीन में ही लगा दिए थे। तो अब मैं जा रही हूँ छत पे सारे कपड़े फैलाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा आप सभी को कैसा लगा है, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, बिना लाइक किए मत जाइए प्लीज़। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा, आप उसे वॉच कर सकते हो और फुल वॉच किया करिए, बस 5 से 10 मिनट का होता है फ्रेंड। मैं बार बार आप लोग से बोलती हूँ कि प्लीज़ 5-10 मिनट तो ऐसे यूँ ही निकल जाता है, अगर हम बैठेंगे तो भी 5-10 मिनट निकल जाएगा, तो प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करिए सभी का वीडियो, मैं अपना ही नहीं कह रही हूँ, सभी का वीडियो आप फुल वॉच कर लिया करिए। तो बस यहीं तक था मेरा वीडियो आज का, और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर भी करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।